दोस्तों कैसे हैं आप सभी। अगर आपको पैसे की जरूरत है और आप अपने रिश्तेदार से जो कि नहीं लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप पर्सनल लोन जो कि घर बैठे अपने मोबाइल फोन से कैसे ले सकते हैं। दोस्तों ये कोई एप्लीकेशन जो है वो नया एप्लीकेशन नहीं है, बल्कि एप्लीकेशन काफी पुराना है, लेकिन इसके अंदर जो है आपको पहले लोन का फीचर्स नहीं था। पहले लोन यहाँ पर आपको नहीं मिलता था, लेकिन अब नया फीचर जो कि इसके अंदर अपडेट हो गया है। अब पेटीएम भी आपको पर्सनल लोन जो कि प्रोवाइड करती है, जैसे कि मुझे यहाँ पर मिला है। दोस्तों मुझे यहाँ पर 25,000 रुपए जो कि मिले हैं, तो इसको कैसे आपको अप्लाई करना है। अब आप पेटीएम से भी लोन प्राप्त कर सकते हैं बिना कहीं गए हुए घर बैठे अपने मोबाइल फोन से जो कि कंप्लीट प्रोसेस कर सकते हैं। ना कोई इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा और ना ही इनकम प्रूफ देने की जरूरत है। कुछ भी यहाँ पर सैलरी स्लिप भी आपको देने की जरूरत नहीं है। आपका सिविल स्कोर जितना होगा उस हिसाब से यहाँ पर अमाउंट जो कि आपको मिलेगा। तो दोस्तों मेरा जो है सिविल स्कोर थोड़ा कम था, जिसके वजह से मुझे यहाँ पर 25,000 रुपए जो कि पेटीएम की तरफ से प्रोवाइड हुआ है मिला है। तो इसको कैसे आपको अप्लाई करना है जो कि स्क्रीन पर आप सभी देख सकते हैं कि 25,000 रुपए मुझे मिला है। तो इस अमाउंट को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आप कैसे अपने अकाउंट में जो कि ट्रांसफर कर सकते हैं, वो सारा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप भी पेटीएम से पर्सनल लोन जो कि आप ले सकते हैं, तो कैसे ले सकते हैं वो सारी जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो चलिए बिना तरीके वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन चैनल पर नए आए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है, पेटीएम लिख करके आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद अगर आपका यहाँ से अपडेट होगा तो आप यहाँ पर अपडेट कर लेंगे। मेरा यहाँ पर अपडेट किया हुआ है, तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। अगर आपका यहाँ पर अपडेट मांगेगा तो यहाँ से आप जो है पहले अपडेट कर लेंगे। पेटीएम तो लगभग सभी लोग 95% का 100% लोग यूज करते हैं इंडिया के अंदर। जो लोग भी एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं, मुझे लगता है कि सभी लोग वो पेटीएम को यूज करते ही हैं। तो चलिए हम यहाँ पर पेटीएम जो कि ओपन कर लेते हैं। पेटीएम के अंदर अब आप लोन आसानी से जो कि प्राप्त कर सकते हैं। तो पेटीएम ओपन होने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ऊपर में एक आपको सर्च बॉक्स दिखेगा। यहाँ देख सकते हैं कि ये सर्च बॉक्स है, इसी में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पर सर्च करेंगे पर्सनल लिख करके जो कि आप सर्च करेंगे। चलिए हम यहाँ पर पर्सनल लिख लिए हैं। जैसे ही आप यहाँ पे ऊपर में पर्सनल लिखेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर आपको पर्सनल लोन का जो कि फीचर्स शो हो जाएगा। अब आप पेटीएम के अंदर भी लोन प्राप्त कर सकते हैं, तो बस इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन जो कि आपको शो होगा। पहला यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स फिल करना है, दूसरा ऑक्यूपेशन, और तीसरा यहाँ पर जो कि लोन ऑफर आपका शो हो जाएगा। जो भी आपको अमाउंट मिलेगा वो शो हो जाएगा। तो नीचे देख सकते हैं गाइस, जो भी पेटीएम के अंदर आपका पैन नंबर लिंक रहेगा और डेट ऑफ बर्थ लिंक रहेगा, वो नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसा कि मेरा पहले से ही यहाँ पर एक्टिवेट है, तो पेटीएम के अंदर मेरा पैन कार्ड जो कि पहले से ही लिंक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा सारा कुछ जो कि पहले से ही लिंक है, ईमेल आईडी भी मेरा दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। चलिए और थोड़ा नीचे आते हैं। तो नीचे आने के बाद जो है गाइज, अब आपको क्या करना है, यहाँ से लोन ऑफ पर्पस जो कि आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस चीज के लिए जो कि यहाँ पर लोन अप्लाई करना चाहते हैं, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो है इस दोनों बॉक्स में टिक लगा हुआ है, नीचे प्रोसीड लिखा हुआ है, बस इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर तीन ऑप्शन जो कि आपको देखने को मिलेंगे। पहला यहाँ पर सैलराइड का ऑप्शन है, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड का ऑप्शन है, और तीसरा नीचे यहाँ पर नॉट एम्प्लॉयड का ऑप्शन है। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक करेंगे। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं, सैलरी मिलता है, तो आप ऊपर वाले पर टिक करेंगे। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो नीचे वाले पर टिक कर लेंगे। और उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद बिजनेस शॉप नेम यहाँ पर आपको फिल करना है, जो भी आपका शॉप का नाम है वो यहाँ पर आप डाल देंगे। और आपका इंटर एनुअल इनकम, जो भी आपका एनुअल इनकम है वो नीचे यहाँ पर फिल कर लेंगे। और उसके बाद कंफर्म का फीचर्स है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको जो भी अमाउंट मिलेगा वो यहाँ स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मुझे यहाँ पर देख सकते हैं कि 25,000 रुपए जो कि मिले हैं। चलिए गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। करने के बाद जो है दोस्तों यहाँ पर आपको दो ही स्टेप जो कि पूरा करना होता है। यहाँ देख सकते हैं कि KYC वेरिफिकेशन
और लोन ऑफर, ये दो ही डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करना है। बाकी बैंक जो इसके अंदर आपको ऐड होगा उसी में आपका अमाउंट चला जाता है। चौथा स्टेप आपका अमाउंट जो कि आपके अकाउंट में चला जाता है। तो ये दो स्टेप ही यहाँ पर आपको पूरा करना होता है। तो देख सकते हैं कि मुझे 25,000 रुपये मिले हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं 25,000 रुपये जो कि मुझे 6 मंथ के लिए यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि 4,615 रुपये जो कि मेरा EMI आएगा 6 मंथ के लिए मुझे यहाँ पर मिला है। तो 25,000 रुपये जो कि मुझे मिला है मेरे अकाउंट में जो अमाउंट आएंगे वो यहाँ देख सकते हैं गाइस 23,152 रुपये, और मुझे रीपेमेंट जो करना है वो नीचे आप पढ़ सकते हैं 27,690 रुपये है। तो टोटल इंटरेस्ट जो है वो 6 मंथ के लिए कितना लगेगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं स्टाम्प ड्यूटी चार्ज भी यहाँ पर कुछ आपको लग जाते हैं, और इसके बाद नीचे देख सकते हैं कि ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट भी नीचे आपको देखने को मिल जाता है। तो जो भी आपका यहाँ पर लगेगा वो सामने यहाँ पर आपको दिखाई दे देगा, पहले ही आप देख सकते हैं पढ़ सकते हैं। मुझे यहाँ पर 23,000 जो कि 25,000 का लोन अप्रूव हुआ है, 23,152 रुपये जो कि मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे, और 27,690 रुपये जो कि मुझे रीपेमेंट करना है। तो अगर आप ये लोन लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है गाइज, कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जो है गाइज यहाँ पर अब आपको क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पर आपका जो है सेल्फी जो कि अपलोड करना है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका सेल्फी जो कि ब्लर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और आपको चश्मा जो कि नहीं लगाना है, विदाउट चश्मा में यह जो है सेल्फी आपको अपलोड करना है, और ब्लर भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश सेल्फी जो कि यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपका थोड़ा देर जो कि वेरीफाई में रहेगा KYC, जैसा कि मेरा यहाँ पर देख सकते हैं कि वेरीफाई में है मेरा KYC, यहाँ पर अभी वेरीफाई चल रहा है। तो देखते हैं, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। सो गाइज, मैं यहाँ पर जो कि लोन नहीं लेना चाहता हूँ, जिसके वजह से मैं यहाँ पर अपना सेल्फी जो कि अपलोड नहीं किया हूँ। मैं यहाँ पर जो कि लोन नहीं लेना चाहता हूँ, जैसे मैं सेल्फी यहाँ पर अपलोड करूँगा और पैन कार्ड यहाँ पर अपलोड करूँगा, उसके बाद यहाँ पर आपका लोन जो कि आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो मुझे अभी लोन की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन आपको देना था कि अब आप पेटीएम से भी लोन जो कि प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी जो कि पेटीएम से अब आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। मुझे अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, अमाउंट की जरूरत नहीं है, जिसके वजह से मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ। पेटीएम के अंदर अब जो है नया फीचर जो कि लॉन्च हो गया है, अब जैसे ही मुझे जरूरत पड़ेगा तो मैं यहाँ से जो कि लोन ले लूंगा। अगर मैं कभी लूंगा तो वो भी वीडियो मैं आप लोगों तक शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी जो कि आज के इस वीडियो में कि अब आप पेटीएम से भी लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अप्लाई करके देखिए कि आपको मिलता है या नहीं मिलता है। अगर आपको मिलता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मुझे मिला है या नहीं मिला है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।